को पढ़ के क्रिएट होनी चाहिए. ओके, अब बिगनिंग ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टे इन लाइन, मिसेज मार्टिन सेड. मिसेज मार्टिन ने कहा कि लाइन में खड़े रहिए. आई न्यू राइट अवे दैट माय फ्रेंड नाओमी वुडंट बी एबल टू कट. आई लुक्ड एट नाओमी एंड फ्रोंड. सून द लाइन बिगिन टू मूव फास्टर एंड आई फॉलोड अलॉन्ग होपिंग दैट देयर वुड स्टिल बी पिज्जा. अब क्या है, सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, कि इस तरह का सिनेरियो है कि इसका कोई फ्रेंड है, जो राइटर है उसका कोई फ्रेंड है जो कि लाइन में लगा हुआ है टू बाय पिज्जा. तो मिसेस मार्टिन कह रही हैं कि लाइन में खड़े रहिए और ये लोग सामने देख रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी और ये भी पिज्जा ले पाएंगे. अब मिडिल इवेंट क्या है? अब मिडिल इवेंट है बीच की घटना. अब इसके बाद जो बात हुई है वो आपकी मिडिल इवेंट कहलाएगी. जैसे कि व्हेन आई रीच द काउंटर आई लुक एट द चॉइसेस. जाहिर सी बात है कि आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं आप पहले उसमें मेन्यू को देखते हैं कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं, वैरायटीज क्या क्या हैं. आई कुड ओनली सी चिकन्स एंड मैश्ड पोटैटोज, मैक्रोनी एंड चीज एंड फिश. तो ये कुछ डिशेस की वैरायटीज थी जो उसको वहां पे दिख रही थी, यही वैरायटीज शो हो रही थी. आई कुड हियर अ रमलिंग ऑफ माई वेरी डिसअपॉइंटेड स्टमक. मतलब इसके पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे थे, इसको सिर्फ अपने पेट की गुड़गुड़ ही सुनाई दे रही थी. देन आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई आई सॉ वन लास्ट पीस ऑफ पेपरानोई पिज्जा. अब फाइनली इसने पिज्जा देखा. आई गॉट सो एक्साइटेड. उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हुआ कि अरे वाह, फाइनली मेरे को पिज्जा दिखा, क्योंकि इसको पिज्जा ही खाना था. पेपरोनी पिज्जा आई सेड पोलाइटली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की शॉप पे जाएंगे तो प्यार से ही बोलेंगे कि प्लीज मुझे एक पेपरोनी पिज्जा दे दीजिए. मिसेस मार्टिन हैंडेड मी द पिज्जा. मिसेस मार्टिन जो होती है उन्होंने उसको पिज्जा दिया. आई टुक द पेपर प्लेट सो क्विकली दैट द पिज्जा स्लिड ऑफ द प्लेट. आई ट्राइड टू सेव इट बट द पिज्जा लैंडेड इन द पैन ऑफ हॉट बटरी मैश पोटैटोज. अब क्या हुआ कि वो पिज्जा उसका उसने बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो पिज्जा कहाँ चला गया, मैश पोटैटो में घुस गया जो कि काफी बटरी था. आई कुड फील माई फेस टर्निंग रेडेड रेडर एंड रेडर. उसने वो फील कर पा रहा था कि उसका चेहरा जो था बिल्कुल ही लाल हुए जा रहा था. ऑल आई कुड हियर वॉज अ लाफ्टर फ्रॉम द किड्स इन अ लाइन. क्योंकि वो जो भी कुछ सुन पा रहा था वो सिर्फ क्या था, बच्चों की हंसी. लाइन में खड़े बच्चे किस तरह से उस पर हंस रहे थे. एज आई लुक एट द अप साइड डाउन पिज्जा आई हर्ड मिसेज मार्टिन वॉइस. मारिया वुड लाइक अ साइड ऑफ मैश्ड पोटैटोज विद योर पिज्जा. तो देखिए, क्योंकि जब वो ऊपर नीचे करके देख रहा था कि भाई पिज्जा भी खराब हो गया, सामने जो लेडी है वो क्या कहेगी, इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, तो वहां पे क्या है वो बोल रही है कि भाई तुम मैश्ड पोटैटोज के संग पिज्जा लेना पसंद करोगे या नहीं, इस तरह की वहां पे बातें चल रही है. अब एंड ऑफ द स्टोरी किस तरह से है? आई लुक अप एंड सेड नाओमी शी वॉज लाफिंग टू. उन्होंने ऊपर की तरफ देखा राइटर ने और फिर बोला नाओमी और फिर नाओमी को देखा. अब क्या रहा, वो दोनों ही हंस रहे थे. विद अ नर्वस स्माइल आई सेड ऑफ कोर्स. फिर वो नर्वस स्माइल के संग बोलते हैं हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैश पोटैटो भी साथ में खाना चाहूंगा. अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन का मतलब होता है कि आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे स्टोरी के बाद, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा. एक प्रॉपर एंडिंग भी अच्छी स्टोरी का पार्ट होता है, तो आपको एक प्रॉपर इंट्रो विद प्रॉपर एंडिंग दिखाना होता है. आई नेवर रियली बिलीव माई ग्रैंड पा अंटिल आई सॉ माई फ्रेंड्स लाफिंग विद मी. मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे फ्रेंड्स के साथ साथ मेरे ग्रैंड पा भी वहां पे थे. द लाफिंग मेड मी फील गुड इंस्टीड जस्ट ऑफ क्लमजी. मुझे अजीब फील करने की जगह पे मुझे उस लाफ्टर के संग काफी इंजॉयबल फील हो रहा था. ओके, तो ये कुछ फॉर्मेट था कि हम एक अच्छी स्टोरी राइटिंग किस तरह से लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स पॉइंट टू रिमेम्बर बिफोर एंड आफ्टर राइटिंग अ स्टोरी. हमेशा स्टोरी लिखने से और लिखने के बाद, लिखने से पहले और लिखने के बाद हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, वो क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ योर स्टोरी. फोकस ऑफ योर स्टोरी मतलब कि आपकी जो स्टोरी का टाइटल आपको दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो किस टॉपिक के ऊपर आपसे स्टोरी लिखवा रहे हैं. तो उसके बाद जाहिर सी बात है स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करिए. राइट अ कंपेलिंग बिगनिंग. कंपेलिंग बिगनिंग मतलब मार्वलस बिगनिंग आप स्टार्ट करिए, ताकि जो रीडर हो उसको पढ़ते ही काफी मजा आ जाए.
क्रिएट अ पावरफुल एंडिंग. पावरफुल एंडिंग भी होनी चाहिए जिसको भी पढ़े तो लगे कि हाँ इसने पक्का से कोई स्टोरी लिखी है. रीड योर ओन स्टोरी इन योर माइंड, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं इसलिए अपनी स्टोरी को लाउड नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग में अपने मन में शांति से पढ़ेंगे. ओके अगर आपको एडिट करना है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आने तो चेंज करिए, और प्लीज पेपर सबमिट करने से पहले रिवाइज जरूर करिएगा. ओके तो ये था हमारा कि हम किस तरह से एक अच्छी स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं. अगर आपको ग्रामर के और भी किसी टॉपिक में डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बिकॉज दिस इज योर चैनल, किसी और का चैनल नहीं है ये. ठीक है, आप ही लोगों का चैनल है तो प्लीज को जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि आपके सभी क्लासमेट्स को आपके सारे फ्रेंड्स को इससे बेनिफिट मिल सके. सो कीप राइटिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर.